अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ैन टीवी। मैं हूं ज़ैन कुरैशी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। बेसिकली ये लेक्चर नहीं होने वाला, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक बड़ी कमाल सी चीज मैं बनाने वाला हूं। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट, वेलकम बैक। अभी मैं एक प्रोग्राम को रन करने लगा हूं जो मैंने बहुत पहले का बनाकर रखा हुआ है। जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था तब ये मेरे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा रहा है। तो अभी मैं इसको रन करके, सिर्फ मैं एंटर करूंगा, रन हो जाएगा। मैं कमांड देख चुका हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, और वही चीज़ हम बनाएंगे आज की क्लास के अंदर। तो ये देखिए, ये एक सिंपल सा एक घर बना हुआ है, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे उस टाइम 2 दिन लग गए थे। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये घर बनाएंगे, और इसका कोड थोड़ा स्पीडली मैं काम करूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ साथ चीजें समझ आती रहेंगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है कि ये घर किस तरीके से बनाया था, इसको इसके अंदर जो मैंने जिस तरीके से बनाया था, इसके अंदर मैंने काफी फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल किए थे उस टाइम। बट अभी हम सिंपली सी आउट को इस्तेमाल करते हुए, स्पेसिस को इस्तेमाल करते हुए हम काम करेंगे। तो उसके बाद फिर इसको किस तरीके से एफिशिएंट बनाना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ लेक्चर नंबर 7 के नाम से। मेरे पास एक फोल्डर बन चुका है लेक्चर नंबर 7 का, छोटा ऐड डाल दिया। अब इसके अंदर मैं जाता हूं और यहां पर जाके इधर मैं सीडी लेक्चर 7, अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूं। अब लेक्चर 7 के अंदर मैं टच लेक्चर 7.cd एक फाइल बना ली मैंने, और इसको मैं ओपन कर लेता हूं। और इस फाइल के अंदर हम देखेंगे कि हमने सारा काम अपना किस तरीके से करना है। मैं अपना बेसिक कोड लिखूं सबसे पहले। अब हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दूंगा, और आपके सामने एक कोड होता रहेगा, और आप लोगों ने लास्ट पे जाके मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने कौन सा काम किस तरीके से किया। Thank you.
ऑलराइट, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से ये काम सारा किया। अब इसके अंदर ये जो बैक स्टेज आप लोगों ने जितनी भी देखी है, इसके अंदर जब मैं काम कर रहा था तो आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम, कि ये मैंने बैक स्लैश डबल बैक स्लैश डाली है। अब बैक स्लैश मैंने डबल इसलिए डाली है क्योंकि मुझे स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवानी थी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवानी हो, कि ऐसा कैरेक्टर स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवाना हो जो कि हमारे कोड का पार्ट होता है अक्सर, जिस तरह ये डबल कोटेशन हम अपने कोड के अंदर यूज कर रहे होते हैं कि हमने इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करवाना होता है, तो हम लोगों ने जितना कुछ भी ये प्रिंट आउट करवाए सारी हमारी देखने को कहने को स्ट्रिंग्स हैं। अब इसके अंदर मैंने ये हमारे अंडरस्कोर का निशान है जो मैंने इधर साइन प्रिंट आउट करवाया है, ये फॉरवर्ड स्लैश और ये बैक स्लैश जो थी हमारी, ये मैंने डबल इसलिए प्रिंट आउट करवाई क्योंकि ये जब डबल हम इधर लिखेंगे तभी जाके ये सिंगल जाके वहाँ पर प्रिंट आउट होगी। जब भी हमें कोई इस तरह की चीज़ लाइक हमें सिंगल ये डबल कोटेशन अपनी अंदर प्रिंट आउट करवानी है स्क्रीन पर, हमें अपनी बैक स्लैश स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवानी है, तो आप लोग देखो ये वाइट कलर की होगी, यानी कि ये प्रोग्राम कंपाइलर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक कि हम इसके साथ बैक स्लैश ना डाल दें और इसके साथ बैक स्लैश ना डाल दें, ये हमारी स्क्रीन पर प्रिंट आउट नहीं होगी। इसका मैं आप लोगों को एक डेमो भी दे देता हूँ, ये मैंने इस तरीके से जब करके इसको रन करूँगा तो हमारे पास एरर्स आ जाएंगे। ये देखिए अब ये इतने सारे हमारे पास एरर्स आ गए हैं। पहला बंदा जो प्रोग्राम कर रहा होगा, जो सीख रहा है प्रोग्राम को, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि ये सब कुछ क्या हो गया। अब ये मुझे बता रहा है यहाँ पर कि जो लाइन नंबर 8 जहाँ पर मैंने ये अपना जैसे ही डबल कोटेशन का साइन डाला है, वो समझ रहा है कि यहाँ पर मैंने अपनी पिछली स्ट्रिंग को ख़त्म किया है, ये यहाँ पर मैंने ख़त्म किया और इसके बाद मैं सेमी कॉलन डालना भूल गया, वो ये समझ रहा है और उसके बाद वो कह रहा है कि सेमी कॉलन की बजाय ये आगे आपने ये क्या डाल दिया जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम में एरर आ गए। तो इसको हम अपना वापस ठीक करेंगे और इसको ठीक करके हम अपना प्रोग्राम को जैसा हमारा प्रोग्राम था वैसा हम उसको वापस बना देंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये घर, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी की किस्म की कोई क्यूरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं zenitv के ऊपर या फिर qureshi@gmail.com के ऊपर मुझे ईमेल कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इतना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।